एक ऐसे शख्स को दिखाने वाला हूँ और आपसे मिलवाने वाला हूँ दोस्तों, जो हिंदुस्तान से पैदल चलकर सऊदी अरब चले जाते हैं और सऊदी अरब का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। पजी जगह होंगे तो कौन है वो साहब भाई, उनका इरादा इतना पहुंचा था कि वो पैदल चलकर हिंदुस्तान से सऊदी अरब के ले जाते हैं और हज करते हैं। आज उन्हीं के खिलाफ खाने के लिए यहाँ इतनी सारी लाखों की तादाद में इतनी भीड़ है। मैं साहब भाई का बिहार उत्तरांचल के सरजमीन से उनका इस्तकबाल करते हैं दोस्तों, जितने भी मेहमान आए हुए हैं केरला वगैरह जितना सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। एक झलक आने के लिए देख सकते हैं कैसे लोग दीवाने बने हुए हैं, लोग उनको आने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। दिखाऊंगा दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं आप, श्याम भाई स्टेज पे आ चुके हैं। पहले आप लोग आराम से नीचे बैठो प्लीज, रिक्वेस्ट प्लीज बैठो सब लोग, सब लोग स्टेज में भी बाहर बाहर चले। बैठो बैठो, थोड़ा 10 मिनट बात करने के लिए। इतना दूर केरला से इधर तक आया, आप लोगों का मोहब्बत से आया, फिर भी आप लोग दूसरा पीछे वालों को परीक्षा करने का काम अच्छा नहीं है, इसलिए बोलो मेरा रिक्वेस्ट बैठो, आप आराम से बैठो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. ما شاء الله، अच्छा एक महफिल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से केरला से मक्का तक एक साल 17 दिन सफर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में 2 जून मेरा घर से निकला है, एक नियत से हज मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पूरा दुनिया का मुसलमान का दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह उधर तक पहुंच गया। 1 साल 17 दिन का सफर, 8,640 किलोमीटर केरला देन कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान पंजाब, हमारा इंडिया में 7 स्टेट क्रॉस किए। मेरा सफर में बड़ा कंट्री इंडिया, 3 महीना 13 समथिंग दिन लगा, 3 महीना का ऊपर हमारे इंडिया में 3,000 का ऊपर किलोमीटर 3,000 समथिंग किलोमीटर टोटल 8,640 किलोमीटर का सफर इंडिया देन पाकिस्तान ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक सिचुएशन में इतना लंबा सफर वेरी डिफिकल्ट। 1 साल का सफर के लिए सफर का 4-5 साल पहले प्रैक्टिस पेपर वर्क वीजा परमिशन, पैदल चलने के लिए एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए, बहुत काम सफर का पीछे 4-5 साल पहले किया। आप लोग 2022 में
भैंस का बात न्यूज में देखा, एक बंदा केरला से मक्का तक पैदल चलने के लिए निकला। इससे पहले बहुत लोगों का, मेरे गांव लोगों का सपोर्ट से हमारा नूरानी साहब दिल्ली में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडियन ग्रैंड मुफ्ती ऑफिस में मेरे लिए बहुत एफर्ट से काम किया। हर एक वीज़ा के लिए, हर एक परमिशन के लिए, हज का परमिशन के लिए बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम से ऐसा एक सिचुएशन में आप लोगों का दुआ, दिल से आप लोग नाम लेकर दुआ किया। ये दुआ नहीं है तो 8640 किलोमीटर नॉर्मल एक आदमी को नहीं चल सकते। अल्लाह ने आप लोगों को दुआ कबूल किया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हज पूरा किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंडिया में, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, बहुत 10-15 दिन में ऐसा बहुत स्टेट घूम के आया मैं इधर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ईमान वालों ने मिलने के मेरे को भी मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हमारा नीयत सही है तो दुनिया में अल्लाह के लिए हर चीज़ हमको कर सकते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारा नीयत अल्लाह के लिए अच्छा नीयत से घर से निकला, इसलिए अल्लाह पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़, नथिंग इज इम्पॉसिबल इस दुनिया में, हर चीज़ हमको कर सकते हैं। अच्छा नीयत से करो, पैदल मदीना तक जाने के लिए मैं बचपन से, मेरा स्वप्न है, मेरा ड्रीम, इस माई ड्रीम, एक स्वप्न के लिए इतना एफर्ट किया, हार्ड वर्क किया, सब्र चाहिए, एफर्ट चाहिए। अस्सब्र व नुस्फिल ईमान, ईमान का आधा सब्र, इन्नल्लाहु मा सबिरीन, सब्र करने वालों का साथ अल्लाह है। पाकिस्तान का बॉर्डर में वाघा, पंजाब बॉर्डर में 4 महीना 8 दिन वेट किया, वीजा का थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रांसिट वीजा के लिए थोड़ा टाइम लगा, 4 महीना 8 दिन सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बोला इन्नल्लाहु मा सबिरीन, अल्लाह है हमारे साथ। 4 महीना नहीं 40 महीना क्या है वेट कर सकते हैं हमको। सब्र एक मुसलमान का सब्र है तो हमको हर चीज दुनिया में वेरी इजी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा दुनिया का दुआ से पाकिस्तान एंटर किया। पाकिस्तान एंटर करने का पहले बहुत लोग कॉल करके न्यूज में गलत गलत न्यूज दिया, शिहाब भाई वापस घर के लिए। मैं बोला शिहाब भाई आप घर घर वापस जाओ, पाकिस्तान वीजा नहीं दिया। अल्लाह अच्छा नीयत से निकल, अल्लाह के लिए निकल, 4 महीना नहीं 40 साल शिहाब भाई उधर वेट करने के लिए रेडी, आप लोग क्यों परेशान कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान का इंदर किया, 3 दिन पैदल चलने के लिए परमिशन दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सपोर्ट से। हमारा इंडिया में पुलिस, मिलिट्री, सब लोग, हर एक इंसान, न हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर रिलीजन सपोर्ट किया मेरा सफर। आप लोग न्यूज में बहुत देख रहे, पुलिस, मिलिट्री, अच्छा एक नियत में हम निकलने का टाइम हमको हर चीज कर सकते हैं। अभी इधर नौजवान के लिए इधर आने का टाइम, एक सेल्फी के लिए, वीडियो के लिए, ऐसा नियत से आप लोग आएगा तो आपको अच्छा वीडियो मिलेगा, अच्छा सेल्फी मिलेगा। ऐसा एक महफिल में ईमान का बात, रूहानी मजलिस, ऐसा अच्छा नियत से कुछ मेरा दिल में इबादत, कुछ इल्म मिलने के लिए आया तो वो भी मिले, हमारे नियत के वजह से सब। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत रूहानी मजलिस में कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो 1000 का ऊपर लोग इधर है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह
हजार जमा कितना ला इलाहा इल्लल्लाह उधर तक पहुंचे, तकब्बल अल्लाह कबूल अता करे हम सबको, हमें बोलने के लिए क्या हमारे सब आमाल अल्लाह कबूल अता करे, हम सबको हज के लिए तौफीक अता करे इंशाअल्लाह, हम सबको मदीना मदीनतुल मुनव्वर लाइफ में दुनिया मरने का पहले कब सोचा उधर जाने के लिए वो टाइम सब जाने के लिए वो तौफीक अता करे इंशाअल्लाह। हमारा नियत अच्छा है तो 8640 किलोमीटर नहीं 18000 किलोमीटर चलने के लिए, अभी देखो दो पैर आप लोगों का अल्लाह दो पैर है, शिहाब भाई नॉट ए आलिम नॉट ए टीचर कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि इस्लामिक कल्चर फॉलो करने का एक फैमिली मतलब है, इसलिए मेरे दिल में बचपन से मदीना का तस्वीर मक्का काबतुल्लाह का तस्वीर देखने के वो दिल में मोहब्बत आया, अल्लाहु अकबर बोल के तकबीर नमाज में सीधे काबा डेस्टिनेशन काबा है, दुनिया का चिंता है तो हमको सब चले जाएगा, लेकिन ये चिंता खुशु काबतुल्लाह काबा हमारे उस दिल में, तो वो दिल से हम नमाज पढ़ने के टाइम मेरा दिल में बचपन से आया क्या सीधा जाने के टाइम इंशाल्लाह काबा मिलेगा, छोटा बच्चा मेरे को भी मालूम नहीं क्या है समुद्र है क्या है कैसे जाएगा, एक साल लगेगा मालूम नहीं स्वप्न का टाइम, लेकिन इसके लिए काम शुरू किया स्टडी किया रिसर्च किया क्लाइमेट क्या क्लाइमेट है, हर यौम नया नया लोग नया नया चेहरा देख के सबको सलाम बोल के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शिहाब भाई आप मेरा सलाम उधर मदीना अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, ऐसा डेली अल्लाह का चिंता से पैदल चले, हर एक कदम में जिक्र सलात दरूद और कुछ नहीं है काम क्या है नमाज, एक साल 17 दिन का सफर में एक नमाज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ा, एक साल 17 दिन एक दिन 40-50 किलोमीटर का रास्ता है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं छोड़ा, हज किसके लिए करने के लिए निकला मैं अल्लाह के लिए, नमाज के लिए कौन बोला अल्लाह ये नमाज फर्ज नमाज छोड़ के 10 नहीं 100 हज करके क्या फायदा, नमाज छोड़ के हज क्या फायदा है, एक साल 17 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से एक नमाज छोड़ने के अल्हम्दुलिल्लाह सब रास्ता अल्लाह रेडी किया, हम ये जरूर नौजवान के लिए हमको एक अच्छा नियत है तो कर सकते हम तो दुनिया में हर चीज, 99 दरवाजा बंद अल्लाह हमारा नियत के लिए एक दरवाजा ओपन करके दिया वो रास्ता में हमको जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप लोग पूरा दुनिया पहले शिहाब छोटू कौन आप लोगों को मालूम इज्जत व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा इज्जत देने वाला है ना, 2022 का पहले कौन शिहाब छोटू कौन केरला केरला का एक बंदा निकला 10 किलोमीटर बैग पकड़ के न्यूज में देखा, लेकिन इसका पीछे बहुत एफर्ट है, हम लोग इसमें क्या कौन कौन काम किया उसको उनको मालूम है क्या है प्रोसेसिंग क्या है, लेकिन सबूर करके इसके लिए एफर्ट करके सबूर एफर्ट हमारा हार्ड वर्क होमवर्क है तो वेरी सिंपल इस्लाम इज वेरी सिंपल, कोई नहीं बोला पैदल चल के शिहाब आप पैदल चल के हज के लिए जाओ कोई नहीं बोला, ओनली माई ड्रीम शिहाब भाई का ड्रीम, हमारा इस्लाम में फर्ज नहीं है पैदल हज, शिहाब भाई को दिल में एक चिंता आया मैं मदीना एक बार पैदल चल के जाएगा वो भी प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं बोल कुरान में हदीस में नहीं बोला पैदल जाओ नहीं बोल, सिर्फ शिहाब भाई का स्वप्न ये स्वप्न छोड़ के 4 घंटा फ्लाइट में बैठ के जाने के लिए मैं भी रेडी नहीं है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा नियत से अल्लाह पूरा किया, ये इतना लंबा सफर
8,640 किलोमीटर, 8,640 किलोमीटर का ऊपर सफर किया पैदल। ये पैर में एक छोटा पेन भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। एक साल 17 दिन बीमार, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बीमार नहीं। अभी 2 घंटा गाड़ी में, 4-5 घंटा गाड़ी में बैठे, वेरी टायर्ड है, वो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर में नहीं है, तबीयत ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी। आप लोगों को 2 पैर दिया हुआ, शिहाब भाई को भी 2 पैर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा कुछ इंजेक्शन नहीं डाला हुआ, सही है, कर सकते हैं हम। दिल दिल से एक नियत करेगा तो हमको अचीव कर सकते हैं। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया, लेकिन आप लोगों का दुआ का साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान का दिल में अल्लाह एक मोहब्बत डाला, इसका रिजल्ट है ये। ये मोबाइल वालों का रिजल्ट क्या है मालूम नहीं, लेकिन अच्छा नियत से हम करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग दुआ कीजिए इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह दुआ करेगा। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته